back viewers, good healthy morning. ये है हमारा medical segment और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज है world COPD day और COPD के बारे में थोड़ा सा बताया था. अब उसके बारे में detail में बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही माहिर डॉक्टर मौजूद हैं. मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हैं, ज़ियादीन हॉस्पिटल में होते हैं एंड बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब. उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. बिल्कुल ओके जी. और इनके साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं अनदर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हेल्थ केयर हॉस्पिटल में होते हैं. हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नसीम साहब. इनको भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, आज सीरियस डे है, मतलब इन अ सेंस के COPD मतलब खतरनाक डिजीज है. ठीक है, तो सबसे पहले तो COPD क्या चीज़ है? बिकॉज व्यूअर्स जो है जरूरी उनका मेडिकल से रिलेशन हो तो उनको पता हो इस चीज के बारे में. COPD क्या होता है सर? सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए. COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या COAD भी कहते हैं. ये वो डिजीज़ है जो जिसके सिम्टम्स क्रॉनिक होते हैं, यानी मुस्तकिल होते हैं. इसमें सांस फूलना, खांसी का होना, बलगम आना, ये एक क्रॉनिक प्रोसेस होता है. इसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पेशेंट सिम्टम फ्री नहीं होते. सही. और ये होता है तकरीबन 90% केसेस में. सालों के सिगरेट पीने की वजह से, बीड़ी सिगार तंबाकू के किसी भी इस्तेमाल से. शीशा भी आता है इसके अंदर? शीशा बिल्कुल आता है, 100% आता है. तो ये सिगरेट पीने वाला या तंबाकू इस्तेमाल करने वाला 20 साल 30 साल जब पी चुकता है तो उसके लंग फंक्शन इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि फिर उसे परमानेंट सिम्टम्स डिवेलप हो जाती हैं. यानी ही इज़ नेवर फ्री ऑफ कॉफ, ऑलमोस्ट डेली उनको खांसी होती है. सांस उनका फूलना बाद में शुरू होता है, जब वो डॉक्टर से रिजू करते हैं तो उस वक्त तक डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी एडवांस हो चुका होता है. इनिशियली इग्नोर करते हैं, इनिशियली इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं भाई सिगरेट पीने वाले को तो खांसी होती है. तो इसी तरह बात बढ़ती चली जाती है. बाय द टाइम सिम्टम्स आते हैं, लंग का तकरीबन मोर देन 50% रिज़र्व ख़त्म हो चुका होता है. रिज़र्व ख़त्म हो चुका, इसको COPD कहते हैं. सही. इसकी और भी बहुत सी वजहें, लेकिन 90% केसेस में स्मोकिंग है. स्मोकिंग है और कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं, मसलन कारखानों में काम करने वाले जो कुछ केमिकल्स एक्सपोज्ड होते हैं, कॉटन वगैरह से, दूसरी चीज़ों से. हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में लकड़ी जलाकर पकाने का कॉमन रिवाज है. सर्दियों में भी वहाँ लकड़ी जलती है, हीटर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. एग्जैक्टली. और घर भी बंद होते हैं सर्दी की वजह से, तो वो जो धुआं भरता है पूरे कमरे में, बायोमास फ्यूल जिसको कॉमनली कहा जाता है, उससे भी COPD होता है. होता है. अच्छा सर, ये COPD में लंग के साथ होता क्या है? लंग के साथ होता है कि ये पूरा यहाँ से जो हमारा जा रहा है, ट्रेकिया जा रहा है, फिर इनके साथ भी कुछ होता है, क्या होता है? बेसिकली हम COPD को जब देखते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या धुएं की वजह से, चाहे वो धुआं सिगरेट की वजह से आ रहा है या किसी इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग से आ रहा है या किसी ये जो लकड़ी के जलने या कोयले के जलने से आ रहा है, अमूमन होता यह है कि जब ये धुआं मुसलसल बहुत अरसे तक, जैसे उन्होंने बताया 20-30 साल तक फेफड़े में जाता रहे, तो लंग्स के जो वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है. अच्छा. तो वो परमानेंट डैमेज आना शुरू हो जाता है, जिस परमानेंट डैमेज की वजह से ये हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा पोल्यूशन, तो पोल्यूशन तो बेसिकली एस्थमा में आता है कि कोई भी एलर्जिक फैक्टर आया बाहर, कोई धुआं मट्टी हुई, उससे अचानक आपके एलर्जी पे फैक्टर पड़ा, उससे सांस की नालियां थोड़ी देर के लिए सूज गई या इन्फ्लेम्ड हुई और उसकी वजह से सांस हुआ. लेकिन इसमें चूंकि मुस्तकिल धुआं जा रहा है तो फेफड़ों के अंदर जो सांस की नालियां हैं उनमें परमानेंट डैमेज होता है. और परमानेंट डैमेज होने की वजह जैसे बताई गई, एक साल में नहीं होता, दो साल में नहीं होता, जब मुस्तकिल अमल होता रहता है तो फेफड़ों में साथ हो जाता है. तो होता क्या है कि जब आप किसी ऐसे मरीज को जो COPD का होगा आप देखेंगी तो वैसे बैठने में और देखने में तो आपको लगेगा कि नहीं इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन जरा आप उससे एग्जर्ट करवाइए, जरा आप उससे कहिए चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, वॉशरूम जाइए, ये वो जगह है जहाँ थोड़ी सी आपको नॉर्मल से ज्यादा कैपेसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है अपनी. ये वो जगह होती है जहाँ पे चूंकि उनके पास वो रिजर्व नहीं होते, वो परमानेंट डैमेज की वजह से वो डायलेशन हो जाती है, तो इसलिए वो उनके जो फेफड़ों की जो रिजर्व खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा एक सांस का बढ़ने का अमल, खांसी का होने का अमल या थक जाने का अमल शुरू हो जाता है. तो फेफड़ा अगर हम कहें तो बजाते खुद ये कह लीजिए कि
कमजोर होना शुरू हो जाता है, सिर्फ इन्फ्लेम नहीं होता, कमजोर होना शुरू हो जाता है। छोटे-छोटे खाने हैं जहां पे वो ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, एल्विलाइजन निकलता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं इजाफा करूंगा इसमें कि सीओपीडी जो है वो एक बहुत अंडर डायग्नोस्ड डिजीज है, यानी कि जितने फर्ज कीजिए 100 केसेस होंगे, हर तरह से अंडर डायग्नोस्ड। अगर फर्ज कीजिए 100 केसेस होंगे किसी कम्युनिटी में, तो उनके 20 या 25 ही डायग्नोस हो पाते हैं। उसकी वजह एक तो आपने बताया ना कि आदमी सिगरेट पीता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज़ में गिरफ्तार हो रहा हूँ, एक तो वो है। अच्छा, अर्ली केसेस में भी ये लोग सीओपीडी होते हैं, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि इसको पेशेंट्स तो बहुत दूर की बात है, इवन डॉक्टर्स भी एस्थमा से कन्फ्यूज करते हैं। एस्थमा बिल्कुल एक अलहदा बीमारी है, दमा जिसको कहते हैं, और सीओपीडी एक बिल्कुल अलहदा बीमारी। इसके सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग होती है। सर, फिर इनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पे हम अभी बात करते हैं। हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है सीओपीडी पे, हम पहले चल के व्यूज वो पैकेज देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए पैकेज देखते हैं। ऐसा मर्ज है जिसमें सांस लेने में मुस्तकिल दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सीओपीडी में दो तरह के मर्ज शामिल होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि लंग्स में मौजूद ब्रोंकियोल्स में सोजिश की वजह से शदीद खांसी का सामना करना पड़ता है, और एम्फाइसेमा यानी कि सांस लेने में दुश्वारी जिसकी वजह लंग्स टिश्यूज को नुकसान पहुंचना है। सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक बीमारी है जिसमें सांस में तंगी होती है, सीने में सीटियों की आवाज़ आती है, जिसकी बुनियादी वजह 90% वजूहात जो है वो स्मोकिंग सिगरेट नोशी है। ये एक ला इलाज मर्ज है, लेकिन अगर इलाज में गफलत बढ़ती जाए तो वक्त के साथ साथ ज़्यादा शदीद हो जाता है। इस बीमारी सीओपीडी से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट वजह स्मोकिंग से इज्तनाब है और सिगरेट नोशी तर्क करना है, क्योंकि 90% की वजूहात की बिना सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग। एस्थमा में भी सांस की रुकावट होती है, लेकिन ये आम तौर पर दायमी नहीं होती। एस्थमा अटैक के बीच में सांस की आमदोरफ्त बहाल हो जाती है। सीओपीडी को सीओएलडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी कहा जाता है। जी वैसे अभी आप लोगों ने पैकेज देखा, थोड़ा बहुत उससे आप लोगों को सीओपीडी का आइडिया हो गया होगा। अब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉल मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अली, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कॉल का आंसर कीजिए। मैं एक एक्चुअली अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना। अच्छा, प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, प्रॉब्लम पे बात कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन भी है क्या? हाँ जी, हमारे जो पोल का सवाल है, सुना नहीं आपने आज? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी ट्यून इन किया था। आए ला, हमारे पोल का सवाल है कि गोरा करने वाली क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपका भी जो वोट है नो की तरफ चला गया है, अब आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे लाइक एंड ऑफ रमजान मुझे कफ हुई थी, बहुत अच्छा थोड़ी सी थी, ड्राई कफ थी, ड्राई थी, उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ईद में खूब उसमें बदतरेजी की, तो वो बहुत सिवियर हो गई थी। उस वक्त मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया, ईएनटी को भी, और उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर्स को भी, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी, उससे बेहतर हुआ, लेकिन बिल्कुल सही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे कि आपके चेस्ट क्लियर है, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक बहुत जब सीवियर हो गई थी, यानी आप समझे 3 महीने हो रहे हैं उसको, जब वो बहुत सीवियर हो जाती थी तो एक सीटी टाइप से बच लगता था, जैसे आप जब कफ कर रहे होते थे तो एक लगता था जैसे सीटी सी बच रही है। अच्छा, अब वो 3 महीने हो गए, लाइक आई एम फेड अप विद दिस, बिकॉज अब उस मैंने इतनी मेडिसिन ली है कि और होम रेमेडीज भी बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा कर चुकी है, लेकिन वो सही नहीं होके दे रही आपकी चीज, बिल्कुल नहीं ठीक हो रही है, मतलब अभी कुछ मुझे बहुत चाहिए? ज्यादा कम हो गई है, लेकिन बिल्कुल नहीं खत्म हो रही, मैंने समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। आपको इस तरह पहले कभी हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट टाइम हुआ है मुझे। आपकी एज क्या है? मेरी 30 years old। 30 years old, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो बच्चे जिनको आजकल नज़ला जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए कोई, क्योंकि हर वक्त एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या किया जाए? दूसरा ये है कि मैं like I live on 4th floor, so I used to walk through like stairs. अच्छा ठीक है। तो उस वक्त मेरी बेबी में बेसाल होती है, अब उसको जब मैं ऊपर तक लेकर आती हूँ तो नाचती वो सांस आपको फूल जाता है, नॉर्मल थिंग है, लाइक नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी देर में जाके वो सेटल डाउन होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल चीज है या? आप मुझे बताइए, आप इस 4th floor पे रह कब से रही हैं?
जब से शादी हुई है। अच्छा, तो तब पहले आपका सांस फूलता था कि नहीं फूलता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सांस आपका अब 3 महीने से ज्यादा फूलने लगा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जब से कफ हुए ना, जब से ज्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा वो बच्ची को पूरा ऊपर तक लेकर आना, वो जरा सा भी टाइम नहीं देती कि वो नीचे उतरे या कुछ करे। अच्छा, ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, आप लोग मुझसे कोई ये समझ नहीं पा रही, हालांकि बिल्कुल क्लियरली कह भी रही हैं कि पहले तो नहीं फूलता था। सही है जी, हम आपको अब ऑन एयर आंसर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, इनका सांस डेफिनेटली फूल रहा है, वरना पहले भी ये फोर्थ फ्लोर पर रहती थी और पहले भी बच्चे और दूसरे सामान वगैरह कैरी करती हूँ।